वेदों की वाणी गूंज उठे जब मन में, पुण्य समाये तब अंतस में, पाप लगी ना मन में। सबका मालिक वही जगत में जिसने जगत बनाया, हर मन मानस में वो बैठा उसी से बनी हर काया। उसे आराधो जपो उसी को बसा है जो कर कर में, पुण्य समाये तब अंतस में, पाप रहे ना मन में। मानव हो मानवता सीखो, मानव हो मानवता सीखो, मन से मैल निकालो। सभी बुराई छोड़ छाड़ के मन निर्मल कर डालो। करना है तो करो भलाई इस प्यारे जीवन में, पुण्य समाये तब अंतस में, पाप रहे ना मन में। राह दिखाई जो वेदों ने, राह दिखाई जो वेदों ने, राह दिखाई जो वेदों ने, उसी राह पर चलना। कठिनाई कितनी भी आए मन विचलित ना करना, रखना सदा पचा के इसको मन में और वचन में। परम पूज्य वेदों की वाणी गूंज उठे जब मन में, पुण्य समाये तब अंतस में, पाप रहे ना मन में। तो कितनी सुंदर बात इस वेद की जो कविता है, वेद वाणी की, इसका थोड़ा सा हम समझना आवश्यक है। तू क्या बता दिया, जब ये सिद्धांत बताया है वेदों की वाणी का, क्योंकि वो ईश्वर कृत वाणी है ना, ईश्वर की वाणी है। तो क्या बता दिया, जब ये परम पूज्य वेदों की वाणी जब गूंज उठे तन मन में, पुण्य समाये तब अंतस में, पाप रहे ना मन में। कितनी बड़ी बात, सिद्धांत वाली बात बता दी कि जो वेदों को पढ़ता है, जो वेदों को पढ़ाता है, उसके मन में मात्र पुण्य अर्थात शुभ विचार, अशुभ का कहीं कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो ये वाणी, वेद की वाणी कानों में गूंजती है और कंठ तक सीमित कर दिया है हमने उसको। इसका हम अर्थ बताते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जो मुंह से हम कान से सुनते हैं, बस सुन के फिर उसका चिंतन मनन नहीं करते। तो जो वेदों की इतनी सुंदर वाणी, वेदों के मंत्र, उपनिषद, दर्शन आदि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, उसका हम चिंतन मनन नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि उसका जो विशेष लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं होता। और दूसरा क्या बता दिया, मात्र कंठ तक। कंठ तक का तात्पर्य ये है कि वाणी को सुनाना। हाँ, अच्छा प्रवक्ता हूँ, अच्छा विद्वान, बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा वक्ता हूँ मैं, अच्छा बोलता हूँ, सबसे अच्छा मैं ही बोलता हूँ। हाँ ठीक है भैया, पर वो कंठ तक, मात्र कंठ तक उनकी वाणी थी, कानों तक और कंठ तक रही हुई है, हृदय तक नहीं पहुंची। इसीलिए हृदय से मैल, मन से मैल नहीं गया। जब तक मन में ये ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अकारण, पक्षपात, ये सब जो दुराइयां, ये जो दुरीतियां और बुराइयां, ये क्यों मन में रही है? वेद की वाणी पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए क्यों बाकी है? क्योंकि उस वेद वाणी को हमने हृदय तक नहीं पहुंचाया। जब हम उस वेद वाणी को हृदय आत्मसात करते हैं, आत्मा में पहुंचाना है, ये सारे संदेश आत्मा के लिए है। मात्र दंभ और दिखावा, बाह्य, हम लोगों ने क्या किया है?